नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। स्वच्छता के मामले में देश में तो हुआ सुधार, लेकिन प्रदेश स्तर पर फिसल कर 4 पायदान नीचे पहुँच गया दरभंगा नगर निगम। कचरा प्रबंधन की लचर व्यवस्था ने की रैंकिंग खराब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की ऑनलाइन बैठक, गांवों में मास्क का प्रचार करने के दिए निर्देश। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का होगा इलाज, बेड की दर 4,800 से लेकर 10,000 तक प्रतिदिन। बिहार में कोरोना के 2,461 नए मरीज, आंकड़ा 1,17,000 के पार, एक्टिव केस 28,933। दरभंगा में 33 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1,937 पर पहुंची, 1,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। 25 अगस्त से आयुक्त न्यायालय दरभंगा में कार्य होगा प्रारंभ, अधिवक्ता एवं पक्षकार को मास्क लगाना अनिवार्य। 28 दिनों बाद चली ट्रेन, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर शुक्रवार शाम से गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी, नए नियमों के तहत बहुत से कार्य ऑनलाइन ही होंगे। संपूर्ण पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन। धूमधाम से मनी तीज, कल चौटचंद्र का त्योहार, बाजारों में खरीदारी को उमड़ी भीड़। और मुहर्रम का 10-दिनी त्योहार शुरू, पहले दिन मिट्टी लाने की रस्म हुई अदा। और समाचार अब विस्तार के साथ। स्वच्छता के मामले में देश में तो हुआ सुधार, लेकिन प्रदेश स्तर पर फिसल कर 4 पायदान नीचे पहुंच गया दरभंगा नगर निगम। कचरा प्रबंधन की लचर व्यवस्था ने रैंकिंग की खराब। स्वच्छता के मामले में देश में तो हुआ सुधार, लेकिन दरभंगा नगर निगम प्रदेश स्तर पर फिसल गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश स्तर पर दरभंगा नगर निगम 4 पायदान नीचे फिसल गया है। राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में तो सुधार हुआ है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर दरभंगा को 331वां रैंक हासिल हुआ है। पिछले वर्ष 1,146.26 अंक लाकर राष्ट्रीय स्तर पर इसने 407वां रैंक प्राप्त किया था। वहीं प्रदेश स्तर पर 11 निकायों में 1,557.31 अंक लाकर 4 अंक नीचे लुढ़कते हुए 8वें पायदान पर पहुंच गया। 2018 में 5वां तथा 2017 में 6ठा स्थान मिला था। गाइडलाइन के मुताबिक 4,000 अंकों में कम से कम 1,400 अंक लाना अनिवार्य है। स्वच्छता रैंकिंग में और नीचे लुढ़क गया है दरभंगा नगर निगम। कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं रहना भी खराब रैंकिंग का है कारण। तस्वीरें आप देख भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, जहां कचरे का अंबार लगा हुआ है, और यह बिल्कुल ताजी तस्वीर आज शुक्रवार की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की ऑनलाइन बैठक, गांवों में मास्क का प्रचार करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की कोरोना को लेकर ऑनलाइन बैठक, गांवों में मास्क का प्रचार कराने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग बिहार और बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम व इलाज के लिए राज्य में जिलावार उपलब्ध व्यवस्था से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि 7 अगस्त की ऑनलाइन बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में सभी जिलों में तेजी से कार्य किए गए हैं। 7 अगस्त को बिहार में जहां कोविड-19 जांच की संख्या 87,852 थी, वह आज बढ़कर 22,28,516 हो गया है। 7 अगस्त 2020 को प्रति लाख जनसंख्या पर टेस्टिंग की संख्या 6,820 थी, जो बढ़कर 17,451 हो गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो 64.44% से बढ़कर 78.4%
0.5% हो गया है। उन्होंने कहा कि RT-PCR जांच की सुविधा कई निजी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराई जा रही है। भागलपुर एवं मधेपुरा में RT-PCR जांच शुरू हो गई है। वर्तमान में प्रतिदिन 7,000 जांच की जा रही है, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर तक 10,000 प्रतिदिन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन वालों के यहाँ प्रतिदिन चिकित्सा कर्मियों द्वारा भ्रमण कर उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है कि उन्हें मेडिकल किट्स मिला है या नहीं, उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का होगा इलाज, बेड की दर 4,800 से लेकर 10,000 रुपए तक प्रतिदिन। निजी अस्पतालों में होगा कोरोना का इलाज, आइसोलेशन बेड की दरें 4,800 से लेकर 10,000 तक सरकार ने तय की। बिहार में कोरोना संक्रमितों के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव डॉक्टर कौशल किशोर ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर निर्धारित किए गए अधिकतम शुल्क के निर्धारण का पालन कराने का निर्देश दिया। अस्पतालों व शहरों की श्रेणी के अनुसार आइसोलेशन बेड की दरें 4,800 रुपये से लेकर 10,000 तक प्रतिदिन रखी गई हैं। 3 श्रेणी में शहरों और 2 में निजी अस्पतालों को बांटा गया है। राज्य के शहरों को 3 श्रेणी ए, बी और सी में विभक्त किया गया है। ए श्रेणी में सिर्फ राजधानी पटना को रखा गया है। बी श्रेणी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया शामिल हैं। वहीं सी श्रेणी में शेष अन्य जिलों को रखा गया है। निजी अस्पतालों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी में नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से मान्यता प्राप्त अस्पतालों को और दूसरी श्रेणी में गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों को रखा गया है। बिहार में कोरोना के 2,461 नए मरीज, संख्या 1,17,000 के पार, एक्टिव केस 28,933। बिहार में कोरोना के 2,461 नए मरीज, आंकड़ा 1,17,671 पर पहुंचा, कुल एक्टिव केस 28,933। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बिहार में 2,461 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें पटना में सबसे अधिक 313, अररिया में 116, अरवल में 23, औरंगाबाद में 18, बांका में 23, बेगूसराय में 99, भागलपुर में 70, भोजपुर में 25, बक्सर में 36, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 139, गया में 65, गोपालगंज में 68, जमुई में 25, जहानाबाद में 26, कैमूर में 30, कटिहार में 103, खगड़िया में 23, किशनगंज में 52, लखीसराय में 37, मधेपुरा में 45, मधुबनी में 134, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 163, नालंदा में 103, नवादा में 23, पूर्णिया में 96, रोहतास में 55, सहरसा में 75, समस्तीपुर में 54, सारण में 103, शेखपुरा में 17, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 48, सीवान में 48, सुपौल में 23, वैशाली में 34 और पश्चिम चंपारण में 79 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 33 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1,937 पर पहुंची, 1,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। दरभंगा में कोरोना के 33 नए मरीज, आंकड़ा 1,937 पर पहुंचा, 1,300 से अधिक लोगों ने कोरोना को दे दी है मात। दरभंगा में कोरोना के 33 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,937 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से अधिकांश ने कोरोना को परास्त कर दिया है। 25 अगस्त से आयुक्त न्यायालय दरभंगा में कार्य होगा प्रारंभ, अधिवक्ता एवं पक्षकार को मास्क लगाना अनिवार्य। 25 अगस्त से आयुक्त न्यायालय दरभंगा में कार्य होगा प्रारंभ, अधिवक्ता एवं पक्षकार को मास्क लगाना अनिवार्य। आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा दुर्गानंद झा ने आयुक्त न्यायालय दरभंगा में 25 अगस्त से कार्य प्रारंभ होने को लेकर पत्र जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु बिहार में पूर्ण लॉकडाउन के प्रभावी हो जाने के कारण आयुक्त न्यायालय दरभंगा से संबंधित कार्य को स्थगित किया गया था, परंतु वर्तमान में व्यवहार न्यायालय दरभंगा में न्यायालय संबंधी कार्य के प्रारंभ हो जाने के कारण लोक हित में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 अगस्त मंगलवार से आयुक्त न्यायालय दरभंगा से संबंधित कार्य को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि आयुक्त न्यायालय दरभंगा के कक्ष में आने के क्रम में सभी अधिवक्ता एवं पक्षकार को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 28 दिन बाद चली ट्रेन, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर शुक्रवार की शाम से परिचालन प्रारंभ।
28 दिनों बाद दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन हुआ प्रारंभ। शुक्रवार की संध्या 6 बजे से ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। अब इस रेल खंड पर चलने वाली विशेष गाड़ियां अपने निर्धारित मार्ग से ही चलेंगी। डीआरएम समस्तीपुर ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि 21 अगस्त यानी आज संध्या 6 बजे से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। अब इस रेलखंड पर चलने वाली विशेष गाड़ियां अपने निर्धारित मार्ग से ही चलेंगी। 28 दिनों के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हुआ है। पिछले 24 जुलाई को दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड में मुंडा पुल के गाटर तक बाढ़ का पानी, नदी का पानी पहुंच जाने की वजह से ट्रेनों का परिचालन एहतियातन रोक दिया गया था और उस पर नज़र रखी जा रही थी। बाढ़ का पानी था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे कमते पानी ने एक मौका दिया रेलवे को और रेलवे ने लाइट इंजन का ट्रायल किया। तब जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हरी झंडी दी और लाइट इंजन का ट्रायल गुरुवार को किया गया था। शुक्रवार को भी इंजन का ट्रायल हुआ, फिर मालगाड़ी को यानी गुड्स ट्रेन को क्रॉस कराया गया और सब कुछ से संतुष्ट होने के बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दी और संध्या से, शुक्रवार की संध्या से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी, नए नियमों के तहत बहुत से कार्य ऑनलाइन ही होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, बिहार की राजधानी पटना से आ रही है बड़ी खबर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसका यह साफ मतलब है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे। इस नई गाइडलाइन में नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार और मतदान तक के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने को कहा गया है। उम्मीदवारों को सिक्योरिटी की रकम भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। साथ ही साथ प्रचार को लेकर भी आयोग ने गाइडलाइन में विस्तार से जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए घर घर जाकर 5 लोगों को जनसंपर्क करने की अनुमति दी है। इसके अलावा रोड शो और चुनावी रैली के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन फॉलो करने का भी निर्देश दिया गया है। इस नई गाइडलाइन के जारी होने के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। आयोग ने इसके पहले एक आदेश जारी करते हुए यह भी कहा था कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों को भी मतदान के काम में लगाया जाएगा। चर्चा है कि आयोग विधानसभा चुनाव को कम से कम चरणों में निपटाने की तैयारी कर रहा है। अगर कम चरणों में चुनाव कराए जाएंगे तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिसका जुगाड़ भी चुनाव आयोग कर रहा है। गाइडलाइन को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है वह 22 पन्नों का है। तो यह बड़ी खबर है जो आपको जानना जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होंगे, निर्वाचन आयोग ने बिहार में चुनाव कराने को लेकर जारी कर दी गाइडलाइन। संपूर्ण पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन। सीपीआईएम पंचायत कमेटी की ओर से पंचायत सरकार भवन पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। संपूर्ण पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने, प्रत्येक परिवार को 6,000 तत्काल उपलब्ध कराने, तमाम परिवार के सदस्यों के नाम से 10 किलो अनाज दिए जाने, जितने भी प्रवासी आए हैं उनको राशन किरासन उपलब्ध कराने समेत कई मांगों पर बुलंद की गई आवाज। 20 से 26 तक केंद्रीय पार्टी के आह्वान पर हमारा अभियान चल रहा है और इस अभियान के क्रम में आज बहादुरपुर प्रखंड के 3 पंचायत में हमारा धरना कार्यक्रम चल रहा है। ब्यूनी अंदामा पंचायत के बिरनिया में, बहादुरपुर दुकली पंचायत के दुकली में और खरादपुर पंचायत के खरादपुर पंचायत सरकार भवन पर हमारा यहां धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हमारा मांग है जो बहादुरपुर अनुसर्वण समिति ने संपूर्ण बहादुरपुर क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया, इसीलिए ये सरकार को और प्रशासन को सभी बाढ़ पीड़ितों को के खाता में अविलंब राशि जाए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो महामारी के रोकथाम के लिए और पशु को टीकाकरण हो, पोलोथीन में बड़े पैमाने पर जो लूट हुई है उसकी जांच हो। आपको आश्चर्य लगेगा कि पोलोथीन विस्थापित को देना था मगर एक भी विस्थापित को पोलोथीन नहीं दिया गया है और भयंकर पोलोथीन में लूट हुई है, मनमानी हुई है। हमारा डिमांड है जो इसकी जांच होनी चाहिए। हम सभी प्रत्येक परिवार को 10 किलो अनाज
देने की मांग करते हैं। सभी के खाते में 7,500 रुपया जो गैर इनकम टैक्स पे ही हैं उनको हम देने की मांग करते हैं। लंबित जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके भुगतान की हम मांग करते हैं। खराजपुर पंचायत में 45 शौचालय निर्माण हो चुका है लेकिन कमीशन नहीं देने के चलते उसका भुगतान नहीं हो रहा है। हम मांग करते हैं जो मनरेगा का विस्तार किया जाए, 200 दिन मजदूरों को काम मिले, 600 रुपया मजदूरी मिले। और ये जो खराजपुर पंचायत है, बहादुरपुर दुकली पंचायत है, इसको संपूर्ण घोषित कर बाढ़ पीड़ितों को राहत दिया जाए। जी, खराजपुर पंचायत बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यह पूरा बहादुरपुर प्रखंड का, जहां हम बैठे हुए हैं, ये पंचायत सरकार है खराजपुर। अब देख लीजिए, अगल बगल पूरा पानी से लोग प्रभावित हैं। अनुश्रवण समिति ने निर्णय लिया जब खराजपुर पंचायत को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए, इसको रिलीफ दिया जाए। पंचायत अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक हुई, जिसने सर्वसम्मत से तय किया जो यहाँ बाढ़ राहत मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक सीओ बहादुरपुर ने निर्णय नहीं लिया और इस पंचायत के लोगों को अभी तक रिलीफ नहीं मुहैया कराया, कोई सहयोग नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। इसलिए आज हम लोग आए पंचायत सरकार भवन खराजपुर पर इनको कहने के लिए। आप पंचायत सरकार भवन के हालात देखिए, इनके एक स्टाफ यहाँ नहीं रहते, एक भी सरकारी आदेश को नहीं मानते, सीओ बीडीओ का कोई आदेश यहाँ लागू नहीं होता। इसलिए हम लोग आए दो मांगों के लिए, एक तो पंचायत सरकार को चालू करो, जो सरकार की नीति है उसके अनुरूप इसका संचालन हो, और दूसरा है जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, समूचा पंचायत जो इफेक्टेड है, उसको आप रिलीफ दीजिए। यही मांग के लेकर हम लोग यहाँ। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, well equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab, very good facilities for both indoor and outdoor games, complete school campus is under CCTV surveillance, regular direct contact with parents through SMS alert system, emphasis on all round development, no readmission charges for old students, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 7763819774। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ, बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद अपना आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। स्वच्छता के मामले में देश में तो हुआ सुधार लेकिन प्रदेश स्तर पर फिसलकर 4 पायदान नीचे पहुंच गया दरभंगा नगर निगम। कचरा प्रबंधन की लचर व्यवस्था ने की रैंकिंग खराब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की ऑनलाइन बैठक, गांवों में मास्क का प्रचार करने के दिए निर्देश। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का होगा इलाज, बेड की दर 4,800 से लेकर 10,000 तक प्रतिदिन। बिहार में कोरोना के 2,461 नए मरीज, आंकड़ा 1,17,000 के पार, एक्टिव केस 28,933। दरभंगा में 33 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1,937 पर पहुंची, 1,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। 25 अगस्त से आयुक्त न्यायालय दरभंगा में कार्य होगा प्रारंभ, अधिवक्ता एवं पक्षकार को मास्क लगाना अनिवार्य। 28 दिनों बाद चली ट्रेन, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर शुक्रवार शाम से गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी, नए नियमों के तहत बहुत से कार्य ऑनलाइन ही होंगे। संपूर्ण पंचायत को बाढ़ग्रस्त घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर CPIM ने किया प्रदर्शन।
धूमधाम से मनी तीज, कल चौठचंद्र का त्योहार, बाजारों में खरीदारी को उमड़ी भीड़। और मुहर्रम का 10 दिनी त्योहार शुरू, पहले दिन मिट्टी लाने की रस्म हुई अदा। धूमधाम से मनी तीज, कल चौठचंद्र का त्योहार, बाजारों में खरीदारी को उमड़ी भीड़। धूमधाम से मनी तीज, शनिवार को चौठचंद्र का लोक पर्व, बाजारों में उमड़ी रही भीड़। शुक्रवार को तीज का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। अक्षय सुहाग और सबों के कल्याण की कामना के साथ ही तीज का यह त्यौहार मनाया गया और कल यानी शनिवार को चौठचंद्र का यह महापर्व मनेगा, महान लोक पर्व, जिसमें भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। छोटा सा शोभित छठ पर्व के समय में जो हम लोग सूर्य का जो है सो अर्घ देते हैं, लेकिन इस तीज पर्व का जो है तो हम लोग चंद्रमा को अर्पित करते हैं। जो चौथे दिन का चंद्रमा का उदय होता है, उसी चौथे दिन के चंद्रमा को हम लोग अर्पित करते हैं, जिसमें बहुत सारे सामग्री जो है सो उनको अर्पित किया जाता है। जैसे छठ पर्व में जो है सो आपको मकई हुआ, अलुआ हुआ, सुखनी हुआ, आपको जो है सो सिंघाड़ा हुआ, उसी तरह से ये तीज का पर्व जो है सो अर्पित करने के लिए यही सब का सामग्री जो है सो इसमें ही जो है सो अर्पित किया जाता है। अब रह गई बात कि ये पर्व है, तो पर्व में तो स्वाभाविक है कि मतलब गांव देहात के लोग आएंगे तो थोड़ा बाजार में जो है सो भीड़ भाड़ होगा ही, फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग भी इस पर्व को, इस सोशल डिस्टेंसिंग को, इस बीमारी को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को भी जो है सो मतलब काम कर रहे हैं और अपने घर में ही इस पर्व को मना। और मुहर्रम का 10 दिनी त्यौहार शुरू, पहले दिन मिट्टी लाने की रस्म अदा। शुक्रवार से शुरू हुआ मुहर्रम का 10 दिनी त्यौहार, पहली पर भटियारी सराय स्थित भीकाशाह सैलानी मजार से मिट्टी लाने की रस्म हुई अदा। 6 से 7 लोगों ने ही सादगी के साथ पहुंचकर रस्म की अदायगी की। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस बार मुहर्रम का यह त्यौहार मनेगा। कोई अखाड़ा नहीं निकलेगा, कोई जुलूस और ताजिया भी नहीं निकलेगा। जिला प्रशासन के निर्देश पर मुहर्रम कमेटी ने भी इसका सम्मान करते हुए नियमों का पालन करने की बात कही है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है, मुसलमानों के लिए मुहर्रम की पहली तारीख पहला दिन होता है साल का। लॉकडाउन बिहार में लागू है, उसके कारण हम सब एक सादगी के तौर पर जो रस्म अदागी होती है, मट्टी लाने की पहली तारीख का होता है। मट्टी लाने का रस्म हम सब 5 आदमी से रस्म अदा किए हैं और बिहार सारे लॉकडाउन का पालन करते हुए दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी से डाबर होते हुए, मिर्जापुर होते हुए, वीरा सलामी आके हम सब मिट्टी का रस्म अदा किए हैं। ये था अब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। स्वच्छता के मामले में देश में तो हुआ सुधार, लेकिन प्रदेश स्तर पर फिसलकर 4 पायदान नीचे पहुंच गया दरभंगा नगर निगम। कचरा प्रबंधन की लचर व्यवस्था ने की रैंकिंग खराब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की ऑनलाइन बैठक, गांवों में मास्क का प्रचार करने के दिए निर्देश। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का होगा इलाज, बेड की दर 4,800 से लेकर 10,000 तक प्रतिदिन। बिहार में कोरोना के 2,461 नए मरीज, आंकड़ा 1,17,000 के पार, एक्टिव केस 28,933। दरभंगा में 33 नए पॉजिटिव केस, संख्या 1,937 पर पहुंची, 1,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। 25 अगस्त से आयुक्त न्यायालय दरभंगा में कार्य होगा प्रारंभ, अधिवक्ता एवं पक्षकार को मास्क लगाना अनिवार्य। 28 दिनों बाद चली ट्रेन, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर शुक्रवार शाम से गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी, नए नियमों के तहत बहुत से कार्य ऑनलाइन ही होंगे। संपूर्ण पंचायत को बाढ़ ग्रस्त घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर CPIM ने किया प्रदर्शन। धूमधाम से मनी तीज, कल चौठचंद्र का त्योहार, बाजारों में खरीदारी को उमड़ी भीड़। और मुहर्रम का 10 दिनी त्योहार शुरू, पहले दिन मिट्टी लाने की रस्म हुई अदा।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।